तो दोस्तों, अनीताज लाइफ हब में आपका स्वागत है। जब भी आपका लंच बनाने का मन ना करे और भूख तेज लगी हो तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। ये प्रोटीन से भरपूर है। इसके लिए हमने लिया है एक छोटी कटोरी दाल और इसको पानी से अच्छे से साफ कर लिया है। पानी से साफ करने के बाद हमने इसमें 4 कटोरी पानी डाला है। एक कटोरी दाल पर हमने 4 कटोरी पानी डाला है और इसको सोक करने के लिए आधे घंटे के लिए रख दिया है। आधे घंटे में हमारी ये दाल सोक हो चुकी है और हम लेंगे कुकर और उसमें सोक किए हुए दाल को डाल देंगे और 1 चम्मच हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक, चुटकी भर हींग डालकर गैस पर मीडियम फ्लेम पर 3 सीटी आने तक पकाएंगे। जब तक दाल कुक हो रही है आटा लगा लेते हैं। 3 बड़े स्पून आटा लेंगे, उसमें चुटकी भर नमक, थोड़ा सा तेल डालकर सॉफ्ट आटा गूंद लेंगे। अब इसकी बड़ी सी लोई काट कर बड़ी सी रोटी बना लेंगे और किसी गोल शेप वाले बर्तन लेकर गोल आकार में काट लेंगे। काट कर इसका फ्लावर बना लेंगे। यदि आपसे इसका फ्लावर नहीं बनता है तो आप इसको ऐसे ही मोड़ करके बना सकते हैं। अब जो दाल हमने कुक होने के लिए रखा था वो कुक हो गई है। उसमें अपने अनुसार जितना गाढ़ा पतला आप दाल रखना चाहते हैं उसके अनुसार गर्म पानी डाल दे रहे हैं। गर्म पानी डालने के बाद उसमें जो फ्लावर बना के तैयार किया था उसको भी डाल देंगे और 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। जब तक ये पक रहा है अब उसमें दाल का तड़का तैयार। इसके लिए हमने लिया है जीरा, टमाटर, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और तड़का तैयार कर लेंगे। तड़का तैयार हो जाने पर इसको दाल में मिला देंगे और दाल को एक बाउल में निकाल देंगे। आप भी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।